वेलकम बैक टू माई चैनल अनबॉक्स ब्यूटी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। मैंने यहाँ पे सी क्रीम कर लिया है क्योंकि आज अच्छा सा लुक करेंगे, काफ़ी प्यारा आपको पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने सी क्रीम करने के बाद बायोटर्मा का मॉइस्चराइजर लगाया है। देखिए, अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रश का प्राइमर लगाया है। ओके, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर भर भर के लगाना, ओके, क्योंकि विंटर आने वाला है। और यहाँ पे मैं आईज मेकअप कर रही हूँ। सबसे पहले बेस लगाएंगे ताकि हमारा आई शेडो को कलर पॉपअप, मतलब कि पॉपअप मतलब कलर उठ कर आए। उसके बाद कॉम्पैक्ट से सेट कर देना है। ओके, ये मेरी पैक की ब्रश है। और यहाँ पे मैंने प्रिकली और सेक की आई शेडो पैलेट ली है। यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लिया है। और आपको इस तरह से लगाना है, ब्रश को हमेशा पीछे से पकड़ना है ताकि आपका आईज मेकअप अच्छा हो काफ़ी। अगर आप पास से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा डार्क होगा और ब्लाइंड होने में दिक्कत होगा। ये मैंने रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट ली है जिसमें से मैं ग्रीन कलर उठा रही हूँ। बस मेरे ड्रेस में ग्रीन कलर है, ये शिमर लुक में है। ओके, ये शिमर है, मैट नहीं है। हल्का सा मैं फिंगर की हेल्प से मैं इसको अपने आईज में लगाऊंगी इस तरह से। देखिए, आपको भी इस तरह से लगाना है। आपको ब्रश से लगा सकते हो, लेकिन फिंगर से मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि मुझे अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। और उसके बाद शार्प सा आईलाइनर लगाएंगे। ये मैंने मामा अर्थ का आईलाइनर लिया है जो कि बहुत अच्छा शार्पनेस है। ओके, और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट आईलाइनर कंप्लीट हो चुका है, एकदम शार्प वाला जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, इंग्लिश गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी लुक लेके आऊँगी डेली। ओके, और देखिए यहाँ पे लग चुका है मेरा आईलाइनर। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट से मैंने यहाँ पे आईब्रो सेट करी है। ओके, ये पाउडर वाला है, जेल वाला नहीं है। ओके, अगर आप मेकअप में बिगनर है तो इसको ले लीजिए। ओके, उसके बाद मैंने ELF का फाउंडेशन लिया है, फ्लॉलेस वाला, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। जी हाँ, मुझे पर्सनल बहुत पसंद है। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, आपको लग रहा होगा कितना वाइट वाइट लगा लिया है। जी नहीं, लगाने के बाद इतने मक्खन की तरह ब्लेंड होता है। ये देखिए, इस तरह से आपको हल्के हाथ से ब्लेंड करना है प्रॉपर। देखिए, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग इतना अच्छा बेस बनेगा आपका। ये बात ध्यान रखना, इस बात का, जितना ही वाइट लग रहा है ना, एक मिनट में गायब हो जाएगा। देखिए, अब लग रहा है नहीं ना, यही तो खास बात है इसमें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा लगाया है, इंसेंस का मस्कारा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे माइक लैम का HD कॉम्पैक्ट लिया है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छे आए। ओके है। ओके, इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने चेपे जैसे गालों को पतला करेंगे, तो मैंने यहाँ पे पाउडर कंट्रोलिंग करी है। ओके, क्योंकि मैं थोड़ी चेपी सी हूँ। ओके, यहाँ पे मैं पाउडर कंट्रोलिंग कर रही हूँ। वाव, एक मिनट के अंदर आपको अपना चेहरा पतला करके दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना पतला। पहले मैं चेपी लग रही थी, अब लग रही हूँ ना स्लिम। देखिए, ऐसे ही कंटूरिंग करना है जो लाइन में। ओके, देखिए आप मेरा मेकअप का टेक्निक देखिए। उसके बाद हम मैंने यहाँ पे आई मैची का ब्लशर लिया है, जो तो शेक मिला के ब्लशर लगाऊंगी एकदम सिंपल से। ये देखिए, वाह कितना प्यारा न्यू कलर का मेरा ड्रेस है। और मेरा मेकअप भी सिंपल सा है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा धमक धमक नहीं है, सिंपल सा बता रही हूँ, बिल्कुल आपको मेकअप, और इजी भी है।
उसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर, जो बहुत लड़कियों को पसंद है और मुझे भी पसंद है, अपनी गालों को चमकाना जैसे मीर। देखिए वाह, ये रेवोल्यूशन का मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया था। और यहाँ पे ब्यूटी क्लिक्स की मैंने लिपस्टिक ली है न्यूड कलर में। ओके, तो मैंने सोचा हल्का सा पिंकिश तो होना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने लिप्स को इस तरह से शेप दे के लिपस्टिक लगाना है। ठीक है, वाह। इसके बाद मैंने यहाँ पे माई ग्लैम का मेकअप फिक्सर लिया है। ओके, और उसको अच्छे से हवा में सुखाना है 2 मिनट तक। और ये है मेरा फाइनल लुक, वाह, जस्ट अमेजिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।